बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान के जो 30 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो मैं लेके आ गया हूँ। आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, इन 30 टॉपिक को ज़रूर तैयार कर लेना। आपका 80% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से फंस जाएगा। मैं सिर्फ टॉपिक बताऊंगा ही नहीं, सभी टॉपिक को मैं आपको समझाऊंगा भी और सब कुछ बताएंगे भी। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और वीडियो को शेयर करना होगा 10 लोगों के साथ, ठीक है? और चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला टॉपिक है वो है जर्मनी का एकीकरण। ये हर साल पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। उसके बाद 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या था और इसके क्या प्रभाव हुए थे, हर साल एग्जाम में आता है। इटली का एकीकरण, हर साल एग्जाम में आता है। महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखी है, ये हर साल एग्जाम में आता है। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन क्या था, क्या कारण थे, ये आपको हर साल एग्जाम में देखने को मिलेगा। महामंदी के कारणों को लिखना है आपको। 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रभाव की व्याख्या करनी है। ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता क्या था, ये आपको बताना है। मतलब ये आपको पढ़ना है, इन टॉपिक्स को तैयार कर रहे हैं, अभी मैं सबके बारे में जानेंगे भी। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा उसकी रोकथाम कैसे की जाती है। जैव तथा अजैव संसाधन में क्या अंतर है। जैव विविधता क्या है और इसका महत्व क्या है, ये आपको बताना है। मृदा अपरदन क्या है, कारण बताने हैं। 3 राज्यों के नाम लिखने हैं जहाँ काली मृदा पाई जाती है और कौन सी फसल उगाई जाती है, ठीक। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के क्या लाभ हैं और क्या हानि है, ये आपको बताना है। भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं बतानी है। धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करना है। कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करना है। परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, ये बताना है। सड़क परिवहन के 3 गुण बताने हैं। परिवहन, संचार, संचार के साधन किस देश की जीवन रेखा और अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, ये आपको बताना है। तो ये आपको तैयार करना है। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, देखो मैं आपको सिर्फ टॉपिक बताऊंगा ही नहीं, सभी टॉपिक को समझाऊंगा भी, ठीक है। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएँ लिखी हैं। 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर क्या हैं। भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, बताइए। भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करती है। विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक मापदंड से अलग है। लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता हो, ठीक है, ये आपको बताने हैं, ये आपको तैयार करने हैं इन सभी टॉपिक्स को। तो सबसे पहले टॉपिक पे आ जाते हैं, जर्मनी का एकीकरण। देखो जर्मनी का एकीकरण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी जो 19वीं शताब्दी में जर्मनी को एक एकीकृत राष्ट्र में बदलने के लिए किया गया था। 1871 में प्रशा के नेतृत्व में जर्मन राज्यों के संघ ने फ्रांस को पराजित किया था और जिसने फ्रांस प्रशियन युद्ध का आरंभ किया और युद्ध के बाद प्रशिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का राष्ट्र सम्राट घोषित कर दिया गया था। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य कारण था कि जर्मन लोगों में एकता की भावना बढ़ रही थी, वे राष्ट्र के रूप में पहचानना चाहते थे। 29 अलग अलग राज्यों के रूप में एक अन्य कारण यह था कि प्रशिया एक शक्तिशाली राज्य बन गया था और जर्मनी के अन्य राज्यों पर हावी होना चाहता था। जर्मनी के एकीकरण के परिणाम दूरगामी थे। जर्मनी एक प्रमुख शक्ति बन गया और यूरोपीय राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाने लगा। एकीकरण ने जर्मनी में राष्ट्रीय पहचान और एकता की भावना को मजबूत किया, ठीक है। और नेता कौन थे, सबसे फेमस नेता जो है ऑटो वन बिस्मार्क, प्रशिया के चांसलर और जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख प्रेरक थे, ठीक है। उसके बाद लुडविंग द्वितीय, बवेरिया का राजा जिसने प्रशिया के साथ एक संघ बनाने के लिए सहमति व्यक्त की। तो ऑटोमन बिस्मार्क के बारे में पूरा पढ़ लेना आप, ठीक है। और उसके बाद जॉर्ज विलियम फर्निंड, ये कौन थे, ये सक्सोनी का राजा था जिसने प्रशिया के साथ एक संघ बनाने के लिए सहमति व्यक्त की थी, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप के इतिहास को आकार देने में मदद की और यह एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने यूरोप में शक्ति के संतुलन को बदल दिया था। तो ये टॉपिक है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक है 1789 फ्रांसीसी क्रांति के कारण और प्रभाव। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस के इतिहास की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल एवं आमूल परिवर्तन की अवधि थी जो 1789 से 1799 तक चली। बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार द्वारा कुछ अंश तक इस क्रांति को आगे बढ़ाया और क्रांति के फलस्वरूप राजा को गद्दी से भी हटा दिया गया। एक गणतंत्र की स्थापना हुई और संघर्षों के द्वारा ये दौर चलता रहा और अंत में नेपोलियन की तानाशाही स्थापित हुई, जिससे इस क्रांति के अनेक मूल्यों को पश्चिमी यूरोप में तथा उसके बाहर प्रसार हुआ। इस क्रांति ने आधुनिक इतिहास की दिशा भी बदल दी थी। कारण क्या थे? सामाजिक असमानता थी। फ्रांसीसी समाज में तीन वर्ग थे, कुलीन, पादरी और सामान्य लोग। कुलीन और पादरी के वर्गों के पास बहुत अधिक विशेष अधिकार थे, जबकि आम लोगों को बहुत कम अधिकार थे। आर्थिक संकट था। फ्रांस का अर्थव्यवस्था 18वीं शताब्दी के अंत में गंभीर संकट में थी। सरकार बहुत अधिक कर्ज में थी और लोगों को भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ रहा था। फ्रांसीसी राजशाही अप्रभावी लोकप्रिय थी। राजा लुई सोहलवा एक निरंकुश शासक था और वह लोगों की शिकायतों को सुनने से मना कर रहा था। ये इसके प्रमुख कारण थे। प्रभाव क्या पड़े इसके? तो लोकतंत्र का उदय हुआ। फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र के सिद्धांतों को लोकप्रिय बनाया। क्रांति के बाद फ्रांस में एक गणतंत्र की स्थापना की गई, जिसने सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांत को स्थापित किया। फ्रांसीसी क्रांति ने मानव अधिकारों के घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार किया, जो मानव के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था। घोषणा पत्र ने घोषणा की, सभी मनुष्य समान है और उन्हें कुछ बुनियादी अधिकारों का आनंद लेने का अधिकार है, जैसे कि जीवन, स्वतंत्रता और खुशी। यूरोप में राष्ट्रीय की भावना का उदय हुआ। राष्ट्रीयता के जरिए लोगों के मन में ये जागृति हुई। फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया। क्रांति ने लोगों को यह बताया कि वे केवल एक राजा के विषय नहीं थे, बल्कि एक राष्ट्र के सदस्य थे। नेक्स्ट टॉपिक है इटली का एकीकरण। 19वीं सदी में इटली में एक राजनीतिक सामाजिक अभियान था, जिसने इतालवी प्रायद्वीप के विभिन्न राज्यों को संगठित करके एक इटली राष्ट्र बना दिया। सन 1894 में इटली पर नेपोलियन बोनापार्ट के राज के अंत पर होने वाले वीना सम्मेलन के साथ आरंभ हुआ और 1870 में राजा वित्तोरियो इमैनुएलो की सेनाओं द्वारा रोम पर कब्जा होने तक चला। इटली का एकीकरण एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया थी। इसके पीछे कई कारण थे, जिनमें से प्रमुख शामिल है इटालियन राष्ट्रवाद। 19वीं शताब्दी में इटली के कई हिस्सों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। लोग एकजुट होकर इटली राष्ट्र के निर्माण की मांग करने लगे। सांस्कृतिक समानता। इटली के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोगों ने सांस्कृतिक समानता थी। वे सभी इटालियन भाषा बोलते थे और आम तौर पर समान धर्म और मूल्यों को साझा करते थे। राजनीतिक हस्तक्षेप। इटली के एकीकरण में कई शक्तिशाली देशों ने हस्तक्षेप किया। इनमें फ्रांस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन शामिल थे। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी? काउंट कैमिलो डी केवुर ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। वह सार्डिनिया पिडमोंट की सरकार के प्रमुख थे। उन्होंने इटली के एकीकरण के लिए कूटनीति और युद्ध दोनों का इस्तेमाल किया था। फिर जियोसोबो गैरिबाल्डी एक लोकप्रिय क्रांतिकारी थे। उन्होंने दक्षिणी इटली के कई राज्यों को सार्डिनिया पिडमोंट के साथ मिलाया। और नेक्स्ट है आपके विसोनकोनी, एक राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने इटली के एकीकरण के लिए जनमत जागरूकता बढ़ाने में मदद की। ठीक है, ये सब आप अब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इन टॉपिक्स को तैयार कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ठीक, इटली के एकीकरण के चरण क्या था? पहला चरण चला था 1815 से 1848 तक। इस चरण में इटली के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। कई विद्रोह हुए, लेकिन इन्हें ऑस्ट्रिया और अन्य शक्तिशाली देशों ने दबा दिया था। फिर दूसरा चरण चला 48 से 61 तक। इस चरण में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी और 1848 में कई राज्यों में लोकतंत्र की स्थापना हुई। सार्डिनिया पिडमोंट के राजा विक्टर इमैनुएल ने इटली के एकीकरण के लिए अभियान शुरू किया।
तीसरा चरण कब चला? 61 से 70 के बीच में। इस चरण में सार्डिनिया पिडमांट ने इटली के एकीकरण के लिए युद्ध लड़ा और 1861 में उत्तरी और मध्य इटली के राज्यों को एकजुट करके इटली की राजशाही की स्थापना की और 1870 में रोम पर कब्जा करने के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ? इटली एकीकृत राष्ट्र बन गया। इससे इटली की शक्ति और स्थिरता में वृद्धि हुई। इटली में लोकतंत्र की स्थापना हुई। इटली में राष्ट्रीय एकता पहचान का विकास हुआ। इटली का एकीकरण एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी जिसने यूरोप के राजनीतिक मानचित्र को बदल दिया। महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह पर एक निबंध लिखना है। सत्याग्रह का अर्थ है कि सत्य के लिए संघर्ष। यह एक ऐसी रणनीति है जो हिंसा का सहारा लिए बिना न्याय और समानता के लिए लड़ती है। गांधी जी ने सत्याग्रह को एक नैतिक और धार्मिक कर्तव्य के रूप में देखा। उनका मानना था कि सत्य और अहिंसा की राह ही मानव समाज में शांति और सद्भाव स्थापित कर सकती है। गांधी जी ने सत्याग्रह को कई अलग अलग तरीकों से लागू किया। उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। इन आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों के प्रतिरोध को मजबूत किया और अंततः भारत की स्वतंत्रता में योगदान दिया। ठीक है, गांधी जी के सत्याग्रह के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। सत्य, सत्याग्रह का आधार सत्य है। गांधी जी का मानना था कि सत्य एकमात्र तरीका है जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर है अहिंसा। सत्याग्रह एक अहिंसक रणनीति है। गांधी जी का मानना था कि हिंसा कभी भी समस्या का समाधान नहीं है। अन्याय का सामना करना। सत्याग्रह का अर्थ है अहिंसक तरीके से अन्याय का सामना करना। गांधी जी का मानना था कि अन्याय को उजागर करने और उसे बदलने का सबसे प्रभावी तरीका यह है। सर्वधर्म संभव। गांधी जी का मानना था कि सभी धर्म एक हैं और हमें सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखना चाहिए। गांधी जी के सत्याग्रह के कुछ उदाहरण दे दो, जैसे कि यह असहयोग आंदोलन है, नमक सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह है। तो असहयोग आंदोलन में क्या है, 1920 में ना गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन में भारतीयों ने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया, ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करने से इनकार कर दिया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासक को हिलाकर रख दिया और अंततः भारत की स्वतंत्रता में योगदान दिया। नमक सत्याग्रह, 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इस आंदोलन में भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की नमक पर एकाधिकार के खिलाफ विरोध किया। इस आंदोलन ने लाखों भारतीयों को एकजुट किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ शक्तिशाली प्रदर्शन किए। 1918 में गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इस आंदोलन में किसानों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए अत्यधिक करों के खिलाफ विरोध किया। इस आंदोलन ने किसानों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण पेश किया। असहयोग आंदोलन का क्या कारण था ये बताना है। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस आंदोलन ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए एक नए रास्ते का मार्गदर्शन किया। ठीक, फिर कारण क्या थे? ब्रिटिश शासन के अन्याय और अत्याचार। भारतीयों को ब्रिटिश शासन के तहत कई तरह के अन्याय और अत्याचारों का सामना करना पड़ता था, जैसे कि अत्यधिक करों का बोझ, राजनीतिक अधिकारों का अभाव, धार्मिक उत्पीड़न, सामाजिक भेदभाव, ये सभी उसके कारण थे। महात्मा गांधी का उदय कैसे हुआ? महात्मा गांधी ने अहिंसक प्रतिरोध की रणनीति का इस्तेमाल करके भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने का एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया जो एक व्यापक जन आंदोलन था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियां बतानी है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में स्वतंत्रता की मांग बढ़ी। भारतीयों का मानना था कि युद्ध में ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने के बाद उन्हें कुछ राजनीतिक अधिकार दिए जाने चाहिए। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। इस आंदोलन में भारतीयों ने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया, ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने से मना कर दिया। ठीक, इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को ना हिला कर रख दिया। जब भी तुम्हारे पास काम करने वाले लोग ही मना कर देंगे तो तुम्हारा काम ही नहीं चलेगा, है ना।
अश्वेत आंदोलन के कुछ प्रमुख परिणाम क्या थे? भारत में स्वतंत्रता की मांग को मजबूती मिली, भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना और एकता की वो चीज़ बढ़ गई, ब्रिटिश सरकार को भारत में अपने शासन को मजबूत करने के लिए कदम उठाने पड़े। असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस आंदोलन ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए एक लंबे और कठिन संघर्ष की शुरुआत की। महामंदी के कारण लिखने हैं, देखो महामंदी 1929 से 1939 तक चली, 10 साल तक, एक वैश्विक आर्थिक मंदी थी। यह इतिहास की सबसे व्यापक आर्थिक मंदी थी। इस मंदी ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया और लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया, ठीक है। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गए थे, अति उत्पादन हो गए थे, जितना खाना चाहिए उससे हमने ज़्यादा बना दिया था। बैंकिंग प्रणाली की कमजोरी, कई देशों में बैंकिंग प्रणाली अस्थिर थी, इससे बैंकों में पैसा जमा करने वाले लोगों की बचत खो गई। सरकार की नीतियाँ भी इसमें शामिल है, कई देशों की सरकारों ने महामंदी का सामना करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाया, इससे मंदी और भी गहरा गई। बेरोजगारी, गरीबी, ठीक है, सामाजिक अशांति हुई महामंदी के गंभीर परिणाम थे। तो इनको अपने आप शब्दों में बनाकर लिख सकते हैं। 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रभाव की व्याख्या करनी है। तो पहला है व्यापार का प्रभाव। व्यापार का प्रभाव वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को संदर्भित करता है कि भाई तुम मुझसे कुछ ले रहे हो, मैं तुमको कुछ दे रहा हूँ, है ना। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के कारण विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार का तेजी से विस्तार हुआ। यूरोपीय देशों ने औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन शुरू किया और उनका निर्यात किया, जबकि अन्य देशों ने कृषि उत्पादों, कच्चे माल का निर्यात किया। इसने विश्व अर्थव्यवस्था को अधिक एकीकृत किया और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा दिया। श्रम का प्रभाव। श्रम का प्रभाव लोगों को एक देश से दूसरे देश में प्रवास को संदर्भित करता था कि यहाँ के लोग दूसरे देश में जाके काम करेंगे, दूसरे देश के लोग यहाँ आके काम करेंगे। 19वीं शताब्दी में कई लोगों ने आर्थिक अवसरों की तलाश में अपने घरेलू देशों से प्रवास किया और यूरोपीय देशों में कई लोगों ने औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रवास किया, ठीक है। पूंजी का प्रवाह क्या होता है? पूंजी का प्रवाह धन के एक देश से दूसरे देश में प्रवाह को संदर्भित करता है, ठीक है। जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ होती है, वो हर देश में अपनी कंपनी खोलती है, जैसे हमारी टाटा कंपनी है, जैसे हमारी महिंद्रा है, हमारे देश में भी और विदेशों में भी है, ये इसका मतलब हुआ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ब्रिटेन वुड समझौता। तो ब्रिटेन वुड समझौता 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 44 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा ब्रिटेन वुड्स न्यू हैम्पशायर संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में बनाया गया एक मौद्रिक ढांचा था। समझौते ने 2 महत्वपूर्ण संगठन बनाए, एक था IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरा था विश्व बैंक। तो IMF एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व अर्थव्यवस्था में स्थिरता सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, और IMF सदस्यों को विपरीत सहायता प्रदान करती है, मतलब वित्तीय सहायता प्रदान करती है, आर्थिक नीतियों पर सलाह देती है और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए काम करता है। विश्व बैंक भी आ जाओ। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विकासशील देशों को ऋण और सहायता प्रदान करती है, ठीक है, लोन देती है। विश्व बैंक का लक्ष्य गरीबी को कम करना और विकासशील देशों की आर्थिक विकास क्षमता को बढ़ाना है। तो ब्रिटेन वुड समझौता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व अर्थव्यवस्था को पुनर्विकसित करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन और रोकथाम। तो सबसे पहला कारण है अत्यधिक वर्षा। पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है जो मृदा को ढीला कर देती है और उससे बहने के लिए प्रवण बना देती है। फिर है ढलान। पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान अधिक होता है जो मृदा को बहने में मदद करता है। वनों की कटाई। पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की कटाई मृदा को अनावृत करती है और उसे अपरदन के लिए अधिक प्रवण बनाती है। पशुचारण। पशुचारण से भी मृदा अपरदन होता है। पशु मृदा को खोदते हैं और उसे ढीला करते हैं जिससे वह बहने लगती हैं, ठीक है। कैसे रोक सकते हैं? वनों की कटाई को रोको, तुम पशुचारण को नियंत्रित करो, मृदा संरक्षण के उपाय ढूंढो, ठीक है। तो ये काम जब हम करेंगे तो उसको हम मृदा अपरदन से हम इसको रोक सकते हैं। अगला टॉपिक है
जैव तथा अजैव संसाधन में क्या अंतर है? तो जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो जीवित प्राणियों द्वारा बनाए जाते हैं, वे प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और मानव उपयोग के लिए उपयुक्त होते हैं, जैसे कि वनस्पति, पशु, मिट्टी, खाद्य पदार्थ। वनस्पति में पेड़ पौधे हैं, जब पशु में जानवर, पक्षी, मछली हैं, मिट्टी में मिट्टी के पौध के विकास के लिए आवश्यक चीज़ें हैं, खाद्य पदार्थ में अनाज है, फल हैं, सब्जियां हैं। अजैव क्या होते हैं? अजैव संसाधन वे संसाधन हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, वे प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और मानव उपयोग के लिए उपयुक्त होते हैं, जैसे कि खनिज में सोना, चांदी, लोहा। जल में पानी जीवन के लिए आवश्यक है, वायु है। जब ऊर्जा संसाधन में कोयला है, तेल है, प्राकृतिक गैस है, ये सब आते हैं इनमें। ठीक है, अंतर में मुख्यतः आप लिख सकते हो जैव संसाधन, अजैव संसाधन। निर्माण कैसे होता है? जीवित प्राणियों द्वारा होता है, ये निर्जीव वस्तुओं द्वारा होता है। उदाहरण है पेड़ पौधे, इसमें है सोना चांदी। ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, कुछ जैव संसाधन नवीकरणीय होते हैं जबकि अन्य गैर नवीकरणीय होते हैं। और अजैव क्या होता है? सभी अजैव संसाधन गैर नवीकरणीय होते हैं। उपयोगिता, जैव संसाधन भोजन, आश्रय, दवा के लिए उपयोग में आते हैं, अजैव संसाधन ऊर्जा, निर्माण आदि सामग्री के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है जैव विविधता क्या है। तो जैव विविधता एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न प्रजातियों और उनके जीवन प्रक्रियाओं और विविधताओं को सूचित करती है। यह सभी जीवों, पौधों, पशुओं, अन्य सभी जीवों की गुणवत्ता और संरचना की विधियों को समर्थन करता है, तो इसे हम जैव विविधता कहेंगे। महत्व क्या है इसका? वैज्ञानिक अध्ययन के लिए महत्व है इसका। जैव विविधता विभिन्न प्रजातियों, उनकी संरचनात्मक, कार्यात्मक विवादों का अद्यन करने के लिए एक अद्वितीय स्रोत प्रदान करती है। औद्योगिक और कृषि उत्पादन, जैव विविधता औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि विभिन्न प्रजातियों के संपर्क से नए उत्पादों और उत्पादों का निर्माण होता है। औद्योगिक विकास की सुरक्षा, जैव विविधता एक स्थिर और सुरक्षित पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करती है, जिससे औद्योगिक विकास सुरक्षित और लगातार हो सकता है। चिकित्सा और औषधि प्रयोग, विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त किए जाने वाले वन्य जंतु, पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विशेष गुणधर्मों का उपयोग चिकित्सा और औषधि प्रयोग में होता है। पोषण और खाद्य सुरक्षा में होता है, पर्यावरण संरक्षण में होता है, तो इसको आप बना के अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है मृदा अपरदन क्या है, कारण बताइए। तो मृदा अपरदन एक प्रक्रिया है जिसमें भूमि की परतों को जल, हवा, वायुमंडल से हट जाता है। ये एक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या है जो कई कारणों से हो सकती है। पहला कारण है वायुमंडलीय परिवर्तन। देखो, हवा की गतिविधियों और अधिक बारिश के कारण भूमि की परतें उच्च गति के कारण से उखड़ जाती है, ठीक है। दूसरा है जलवायु परिवर्तन। बारिश और बर्फबारी के समय भूमि पर गिरने वाले जल की द्रव्य प्रभाव के कारण भूमि की परतें उच्च गति से धुल जा सकती हैं। वन्य जंतु और पौधों की अभिवृद्धि, अधिक वन्य जंतु और अधिक पौधों की अभिवृद्धि के क्षेत्रों से निकलने वाली जड़ों और पौधों के साथ भूमि को बांधने वाली परतें कम हो सकती हैं, जिससे मृदा अपरदन होता है, ठीक है, ये आप लिख देंगे। उसके बाद कृषि और वन्य जंतु अनुप्रयोग। देखो, अधिक खेती, अनुग्रहित क्षेत्रों का अधिक उपयोग, वन्य जंतुओं के अत्यधिक संगठन भूमि को बर्बाद कर देते हैं और मृदा अपरदन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो ये कई सारे टॉपिक लिखे हैं, इनमें से दो तीन टॉपिक आप लिख दो। अगला टॉपिक है तीन राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है, कौन सी फसल उगाई जाती है। तो सबसे पहला है महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, ये तीन राज्य हैं। तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी मुख्य रूप से दक्कन के पठार पर पाई जाती है। इस यहाँ पर कपास, सोयाबीन, मूंगफली और गन्ना जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कर्नाटक में जो फसल उगाई जाती है वो है कपास, चावल, मूंगफली, और मध्य प्रदेश में, ठीक है, मालवा पठार में पाई जाती हैं और इस क्षेत्र में कपास, सोयाबीन, गन्ना उगाई जाती हैं। तो फसल तो सेम ही है, ठीक है। काली मिट्टी में ना जैविक पदार्थों की प्रचुरता होती है जो इसे उपजाऊ बनाती है। यह मिट्टी जल धारण क्षमता भी रखती है जो इसे सूखा, सहिष्णु बनाती है। काली मिट्टी में थोड़ी मात्रा में चूना और लवण भी होते हैं जो कुछ फसलों के लिए फायदेमंद होते हैं। काली मिट्टी की उर्वरता के कारण यह क्षेत्र भारत के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में से एक है। आगे बढ़ते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ और हानि।
बहुउद्देशीय परियोजना एक ऐसी परियोजना होती है ना जो एक से अधिक उद्देश्यों को पूरा करती है। इस परियोजना के कई लाभ हैं, जैसे आर्थिक विकास। बहुउद्देशीय परियोजनाएं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से नई रोजगार सृष्टि हो सकती है, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। सामाजिक सुरक्षा, बहुउद्देशीय परियोजनाएं सामाजिक सुरक्षा को बढ़ा सकती हैं। ये परियोजनाएं स्थानीय लोगों को नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मंच प्रदान करता है। अगर मैं एक उदाहरण दूँ, जैसे डैम होता है वो बहुउद्देशीय परियोजना में आता है, कि वो एकत्रित पानी करके उसमें मछली पालन कर सकते हैं, उसमें आप पर्यटक के लिए ला सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, उसमें मछली पालन कर सकते हैं, उसके पानी को सिंचाई के लिए किसानों को दे सकते हैं, तो बहुत चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पर। पर्यावरण संरक्षण, बहुउद्देशीय परियोजनाएं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर सकती हैं। इनसे कई परियोजनाएं वन्य जंतु संरक्षण, जल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के समाधानों पर ध्यान केंद्रित हो सकती हैं। सामाजिक और सामरिक सुधार, इन परियोजनाओं के माध्यम से स्थानीय सामाजिक सांस्कृतिक सुधार को प्रोत्साहित किया जा सकता है। स्थानीय उत्पादन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने का साधन हो सकती हैं। स्थानीय उत्पादों की पहचान, उनका बजट प्रबंधन करने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ दे सकता है। और समस्याएं क्या हैं, जैसे वित्तीय समस्याएं। कुछ समय तक बहुउद्देशीय परियोजना अनुदान और वित्तीय समर्थन की कमी में आ सकती है, जिससे परियोजना में सहजीवन की मुश्किलें हो सकती हैं। कि भाई ऐसा हो सकता है कि किसी दिन पर्यटक नहीं आए, कि किसी महीने नहीं आए, तो फिर उनका पूरा काम ठप पड़ जाएगा। पर्यावरणीय प्रभाव, कुछ परियोजनाएं पर्यावरणीय प्रभाव के कारण विवादित हो सकती हैं, जैसे वन्य जंतु संरक्षण के लिए किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स। सामाजिक और सांस्कृतिक आपत्तियाँ, कुछ परियोजनाएं स्थानीय लोग समुदायों के सामाजिक या सांस्कृतिक आपत्तियाँ उत्पन्न कर सकती हैं, कि भाई हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, ये सब मत करो, है ना। सामाजिक समस्याएं, क्षेत्रीय संतुलन की कमी। अगर सही रूप से प्रबंधित नहीं किया गया तो कुछ परियोजनाएं क्षेत्रीय संतुलन की कमी कर सकती है, जिससे स्थानीय जीवन को प्रभावित किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, भारतीय कृषि की कोई तीन विशेषताएं लिखनी है। तो खाद्यान्नों की प्रधानता है, भारतीय कृषि खाद्यान्न प्रधान है, ठीक है। देश की कृषि का लगभग 80% भाग खाद्यान्नों का उत्पन्न करता है, चावल, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, खाने के सामान बनाता है। फसलों की विविधता, भारत में जलवायु, मृदा, भौगोलिक स्थिति विविधता के कारण कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है, जिनमें दलहन, तिलहन, नगदी फसलें, ये सब औषधि पौधे सब पाए जाती हैं। कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक निर्भरता, भारत की 60% आबादी कृषि पर निर्भर है। कृषि से देश की राष्ट्रीय आय का लगभग 20% हिस्सा प्राप्त होता है, तो इतना मात्रा इस पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं, धान की खेती के लिए उपयुक्त स्थिति बताओ। सबसे पहला टॉपिक है जलवायु। चावल की खेती के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है, और ये फसल 150 से 200 दिनों की में नमी की आवश्यकता होती है। फिर आता है मिट्टी। चावल की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, ठीक है, क्योंकि खेती के लिए ना इसका थोड़ा अम्लीय माध्यम होना चाहिए, 5.5 से 7 के बीच में होना चाहिए। भूमि, चावल की खेती के लिए समतल या थोड़ी ऊंची भूमि सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। मुख्य रूप से कहाँ हो जाता है, पूर्वोत्तर भारत में, से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय में, पश्चिम भारत जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में, दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में ज़्यादातर चावल की खेती की जाती है। कृषि की तीन प्रमुख समस्या का उल्लेख करना है आपको। पहला तो परिवर्तन है जलवायु। जलवायु परिवर्तन कृषि को बड़े प्रभावित करता है। अनूठे मौसम पैटर्न और अत्यधिक उच्चतम और न्यूनतम तापमान, अधिक वर्षा, तेज हवाएं कृषि के उत्पादन को प्रभावित करती हैं। जल संग्रहण और सिंचाई की कमी, कृषि के लिए सही समय पर सही मात्रा में पानी प्रदान करना महत्वपूर्ण है। हालांकि अनेक क्षेत्रों में जल संरक्षण की स्थिति अच्छी है और सिंचाई की व्यवस्था भी कमी हो रही कहीं कहीं पर, लेकिन जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को समृद्धि का अधिकतम लाभ नहीं मिल पाता है। खेती से जुड़ी बाजारी और मूल्य विक्रय समस्याएं भी हैं। भाई फसल पैदा कर देते लेकिन अच्छे दाम पे बेच नहीं पाते। खेती से जुड़ी बाजारी और मूल्य विक्रय समस्या किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती है। असामान्य मूल्य,
मिडिल मैन की अधिक आपूर्ति और कम लाभ मार के कारण किसानों को अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता। ठीक है, इन चीज़ों को आप अपने शब्दों में भी बनाकर लिख सकते हैं। आगे आता है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या है। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन वे ऊर्जा संसाधन है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जिनका उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है, जिनमें आता है कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, पानी। ये सब हमारे क्या हैं, परंपरागत हैं। और गैर परंपरागत क्या है, वे ऊर्जा संसाधन जो अपेक्षाकृत नई तकनीकों का उपयोग करके उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा और बायोमास। स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं और इसके बारे में आपको पता भी होगा। आप निष्कर्ष क्या लिख सकते हो, देखो परंपरागत ऊर्जा संसाधन अभी भी दुनिया की अधिकांश ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रही है, जैसे डीजल है, पेट्रोल है वगैरह वगैरह। हालांकि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का उपयोग बढ़ रहा है, जैसे कि सोलर चक्की है ना, इस टाइप के। यह इसलिए है कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन नवीकरणीय है और इनके उपयोग से प्रदूषण कम होता है। ठीक है, और जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है वो एक समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे, फिर क्या करोगे। अगला टॉपिक आता है सड़क परिवहन के तीन गुण बताइए। तो सड़क परिवहन में पहला गुण आता है लचीलापन। सड़क परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है इसका लचीलापन। यह किसी भी प्रकार की भूमि पर बनाया जा सकता है, चाहे वो समतल हो या उबड़खाबड़ हो। सस्ते बन सड़क परिवहन अन्य परिवहन की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ता होता है। सड़कों का निर्माण और रख रखाव अन्य प्रणालियों की तुलना में कम खर्चीला होता है। सर्वसुलभता, सड़क परिवहन सबसे अधिक सुलभ परिवहन प्रणाली है। यह शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध है। इसी गुणों के कारण सड़क परिवहन दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। ठीक है, दुनिया की लगभग 80% यातायात बाहर कौन करता है, सड़क परिवहन करता है। अगला टॉपिक है परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश के जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। देखो परिवहन और संचार के साधन एक देश के जीवन रेखा के रूप में कार्य करते हैं। ये लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में जाने में सहायता करते हैं, सामाजिक और आर्थिक जीवन को जोड़ते हैं और एक समृद्धि और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इकोनॉमी में महत्व है, परिवहन और संचार साधन एक देश की अर्थव्यवस्था के प्रमुख अंग होते हैं। अच्छे परिवहन संचार के साधन देश के विभिन्न भागों में वस्त्र, खाद्य उद्योग इनको पहुंचाने में मदद करते हैं समय पर। सामाजिक और सांस्कृतिक संजीवनी, परिवहन और संचार साधन सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इनके माध्यम से लोग अपने सामाजिक संबंधों को बनाए रखते हैं। जैसे तुम्हें नानी के घर जाना है, तुम मामा के घर जाना है, तो अगर तुम नहीं जाओगे तो नाराज हो जाएंगे, अगर लगातार नहीं जाओगे तो रिश्ता टूट जाता है, तो इनमें भी महत्व है। राष्ट्रीय एकता सुरक्षा, एक अच्छे परिवहन और संचार नेटवर्क के माध्यम से एक देश की एकता बनी रहती है और सुरक्षित और स्थिर संचार स्रोतों के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा में भी मदद मिलती है। तो इन सभी चीज़ों को देखकर हम बोल सकते हैं कि परिवहन और संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा और अर्थव्यवस्था के लिए एक पिलर का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। तो गठबंधन सरकार क्या होता है, वह सरकार होती है जो एक या एक से अधिक राजनीतिक पार्टियों के बीच साझा समझौता करके बनती है। इसमें यह समझौता होता है कि ये पार्टियां सरकार बनाने के लिए एक साथ काम करेंगी और साझा रूप से सशक्त शक्ति संभालेंगी। ठीक है, गठबंधन सरकार की विशेषता क्या होती है, जैसे प्रायोजित गठबंधन और एक होता है अप्रायोजित गठबंधन। प्री पोल अलायंस प्रायोजित गठबंधन क्या होता है, इसमें यह समझौता होता है कि विभिन्न पार्टियां चुनाव से पहले ही मिलकर सरकार बनाएंगी और इसके लिए सामूहिक प्रचार प्रसार करेंगी। और अप्रायोजित गठन क्या होता है, इनमें से समझौता होता है कि चुनाव के बाद जीते गए पार्टियों मिलकर सरकार बनाएंगी। यह सामूहिक प्रचार प्रसार और सामूहिक समर्थन की प्रक्रिया को समर्थन करता है। गठबंधन सरकार का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थन से सरकार को स्थिरता मिले और विभिन्न समृद्धि योजनाओं को सकारात्मक रूप से लागू किया जा सके, इसलिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता लिखिए। तो संघवाद एक प्रकार की सरकार है जिसे संप्रभुता को दो या दो से अधिक स्तरों के बीच विभाजित किया जाता है।
जिन्हें आमतौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के रूप में जाना जाता है। संघवाद में प्रत्येक स्तर सरकार के अपने क्षेत्राधिकार के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, संघवाद की प्रमुख विशेषताएं लिखनी है आपको। पहला है सत्ता का विभाजन। तो संघवाद में संप्रभुता को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विभाजित किया जाता है। प्रत्येक स्तर सरकार के अपने क्षेत्राधिकार के लिए जिम्मेदार होते हैं। संवैधानिक सीमाएं होती हैं। संघवाद में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान द्वारा निर्धारित किया जाता है। एकता और विविधता। संघवाद एकता और विविधता को संतुलित करने का एक तरीका होता है। यह विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों की जरूरतों को पूरा करने में भी मदद करती है। तो भारत एक संघीय राज्य है। भारत के संविधान के अनुसार संप्रभुता को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विभाजित किया गया है। केंद्र सरकार के पास विदेश नीति, रक्षा नीति, मौद्रिक नीति जैसे विषयों पर अधिकार है, और राज्य सरकारों के पास क्या होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसे विषय के अधिकार होते हैं। अगला टॉपिक है 1952 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो अंतर लिखिए। तो पहला है संवैधानिक मान्यता। 1992 के संविधान संशोधन से पहले स्थानीय शासन को संविधान में कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था। यह राज्य सरकार के अधीन था, एक प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य करता था। 1992 के संशोधन के बाद स्थानीय शासन को संविधान में एक प्रमुख स्थान दिया गया। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन ने स्थानीय शासन को एक संविधान संस्था के रूप में मान्यता दी। ठीक है, शक्तियां और अधिकार। 1992 के संविधान संशोधन से पहले स्थानीय शासन को सीमित शक्तियां और अधिकार दिए गए थे। यह राज्य सरकारों के अधीन था और राज्य सरकारें स्थानीय शासन के कार्यों को नियंत्रित करती थी। 1992 के संशोधन के बाद स्थानीय शासन को व्यापक शक्तियां और अधिकार दिए गए। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन ने संविधान शासन को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शक्तियां और अधिकार प्रदान किए, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, स्वच्छता और विकास के कार्य शामिल हैं। ठीक है, अगला है भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो भारत में महिलाओं के विधायिकाओं में प्रतिनिधित्व की स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं है। लोकसभा का प्रतिनिधित्व 14.4% है 2024 में, जो संसद के इतिहास में सबसे अधिक है। हालांकि यह संयुक्त राष्ट्र के 50-50% से भी कम है। ठीक है, राज्य विधानसभा महिलाओं के प्रतिनिधित्व की भी काफ़ी कम है। 2024 में महिलाओं का प्रतिनिधित्व औसतन 10.5% है, जैसे कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 20% से अधिक है, लेकिन कुछ राज्यों में जैसे कि बिहार, झारखंड, महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे महिलाओं के विधायिकाओं और प्रतिनिधित्व में वृद्धि के लिए कई कारण हैं, जिसमें से सामाजिक जागरूकता में वृद्धि। पिछले कुछ दशकों में महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता में वृद्धि हुई है। इससे महिलाओं को राजनीति में भाग लेने की को प्रोत्साहित किया गया है। कानूनी प्रावधान। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए विधायिकाओं में आरक्षण की व्यवस्था की है। 1993 में संविधान में 73वें और 74वें संशोधन किए, और इसके तहत पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई। राजनीतिक दलों की भी प्रतिबद्धता। कुछ राजनीतिक दलों ने महिलाओं के लिए टिकटों को आरक्षण देने में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इससे महिलाओं को आरक्षित राजनीति में भाग लेने के लिए अधिक अवसर मिल रहे हैं। ठीक है, अब कुछ कमियां भी हैं हमारे समाज के, जिनमें है सामाजिक रूढ़ियां हैं, आर्थिक चुनौती हैं, राजनीतिक दलों की प्रतिबद्धता है। तो सामाजिक रूढ़ियों में क्या आ जाता है, कुछ समाजों में महिलाओं को राजनीति में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, और इसीलिए उनको उनमें कठिनाई होती है इनमें भाग लेने के लिए। आर्थिक चुनौती है, महिलाओं को अक्सर घरेलू कामों और बच्चों की देखभाल के जिम्मेदार ठहराया जाता है, इससे महिलाओं को राजनीति में भाग लेने की कठिनाई होती है। ठीक है, राजनीतिक दलों की प्रतिबद्धता। सभी राजनीतिक दल महिलाओं के लिए टिकटों का आरक्षण देने के लिए
प्रतिबद्ध नहीं है, इससे महिलाओं को राजनीति में भाग लेने के लिए कम अवसर मिलते हैं। अगला टॉपिक है, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं। तो भारत में जातिगत असमानता एक जटिल और लंबे समय से चली आ रही समस्या है। यह एक ऐसी समस्या है जिससे भारत के संविधान द्वारा समाप्त करने का प्रयास किया गया है, लेकिन अभी भी यह समाज की एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। भारत में जातिगत असमानताएं निम्नलिखित तरीकों से हैं, जैसे कि शैक्षिक अवसरों में असमानताएं। अनुसूचित जाति एससी एसटी के छात्रों के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्य जातियों के छात्रों की तुलना में अधिक संघर्ष करना पड़ता है। इसकी कई वजह हैं, जैसे कि एससी एसटी के छात्रों के पास अक्सर आर्थिक समाधानों की कमी होती है, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक खर्च करना पड़ता है और अधिक खर्च करना पड़ता है, जो कि वो कर नहीं पाते हैं। एससी और एसटी छात्रों को अक्सर स्कूल कॉलेजों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एससी और एसटी छात्रों को अक्सर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है। रोजगारों में के अवसरों में भी असमानता होती है। एससी और एसटी लोगों को अक्सर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद रोजगारों के अवसर तक पहुँचने में कठिनाई होती है। इनमें कई वजह शामिल है। एससी एसटी के लोगों को अक्सर निम्न स्तरीय और कम वेतन वाली नौकरियों के लिए ही सीमित कर दिया जाता है। एससी एसटी के लोगों को अक्सर नौकरी के लिए भेदभाव का सामना करना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो महत्वपूर्ण विषय है वो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व में असमानता। एससी एसटी के लोगों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व अभी भी बहुत कम है, ठीक है। इनमें ना 16.6 से लेकर 8.6% ही है बस। सामाजिक गतिविधियों में असमानता। एससी और एसटी के लोगों को अक्सर सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने से रोका जाता है। एससी एसटी के लोगों को अक्सर सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। इन लोगों को अक्सर सामाजिक घटनाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, तो ये सारे भेदभाव उनको रोकते हैं। अगला टॉपिक है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता का शासन होता है। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनता है। तुम ही वोट देते हो ना, वो खुद से तो वोट नहीं देते, तुम ही वोट देकर चुनते हो, और वो सरकार चलाते हैं। लोकतंत्र उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करने में निम्नलिखित तरीकों से योगदान करता है। एक उत्तरदायी सरकार बने। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों के कार्यों के लिए जवाबदेही होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव में हटा सकती है यदि वे अपने कार्यों से संतुष्ट नहीं है। इससे सरकार को जनता के हितों के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जिम्मेदार सरकार। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार होती है। सरकार को जनता को अपने कार्यों के बारे में जानकारी देनी चाहिए और जनता को अपने कार्यों पर सवाल उठाने का अधिकार होना चाहिए। इससे सरकार को जनता के प्रति पारदर्शी, जवाबदेह बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। वैध सरकार। लोकतंत्र में सरकार जनता की सहमति से बनती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और सरकार चलाते हैं। इससे सरकार को जनता के बीच वैधता और समर्थन प्राप्त होता है। लोकतंत्र में उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार के गठन के ये महत्वपूर्ण नीति हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। सशक्त नागरिक समाज हो। लोकतंत्र में नागरिक समाज मजबूत होना चाहिए। नागरिक समाज सरकार की गतिविधियों पर नज़र रखता है और सरकार को जवाबदेह बनाता है। स्वतंत्र मीडिया होनी चाहिए, है ना। आज मीडिया जो चापलूसी ना करे किसी चीज़, किसी पार्टी की, निष्पक्ष हो के कोई सही है तो सही को सही बोले, कोई गलत है तो गलत को गलत बोले, ऐसी मीडिया होनी चाहिए। उसके साथ साथ विकास मापने का UND का मापदंड किन पहलुओं में विश्व के मापदंड से अलग है। तो देखो, विकास मापने के UNDP मापदंड, विश्व बैंक का मापदंड, दोनों ही देश या क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन इन दोनों मापदंडों में कुछ प्रमुख अंतर है। जैसे UNDP का मापदंड विश्व बैंक के मापदंड से निम्नलिखित पहलुओं को अलग कर देता है। विश्व बैंक का मापदंड केवल आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि UNDP का मापदंड आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को ध्यान में रखता है। विश्व बैंक का मापदंड प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विकास को मापता है, जबकि UNDP का मापदंड जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, जीवन स्तर के आधार पर विकास को मापता है, जो कि सही मायने में सही है। विश्व बैंक मापदंड का एक देश या क्षेत्र को विकसित या विकासशील के रूप में वर्गीकृत करता है,
जबकि यूएनडीपी मापदंड विकास को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखता है। अगला है लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करना है। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनमें से आप भ्रष्टाचार जानते हैं, सरकार की अक्षमता है, सरकार की अक्षमता लोकतंत्र के लिए एक अन्य चुनौती है, अक्षम सरकार जनता की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हो जाती है, सामाजिक और आर्थिक असमानता, आतंकवाद है, राजनीतिक दलों का अस्थिरता है, ठीक है, ये सभी कारण महत्वपूर्ण हैं। मीडिया की स्वतंत्रता का अभाव है, मीडिया की स्वतंत्रता का अभाव लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है, मीडिया स्वतंत्रता का अभाव जनता को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट टॉपिक है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संबंधों में वृद्धि होती है और इसमें व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, सूचना का प्रभाव शामिल है। तो देखो, वैश्वीकरण के कई कारण हैं। एक तो तकनीकी प्रगति है, प्रौद्योगिकी के विकास ने दुनिया को छोटा बना दिया है, इंटरनेट मोबाइल फ़ोन ने लोगों को एक दूसरे के आसानी से जुड़ने की अनुमति दी है, राजनीतिक परिवर्तन, शीत युद्ध के अंत के बाद दुनिया में राजनीतिक परिवर्तन हुए, इसने व्यापार और निवेश के लिए अधिक खुली दुनिया को जन्म दिया। आर्थिक विकास, विकासशील देशों में आर्थिक विकास ने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया, इन देशों ने वैश्विक बाजारों में शामिल होने के लिए कदम उठाए। ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है, तो जैसे घटिया सामान, कम तौलना या मापना, ज़्यादा मूल्य लगा देना, मिलावट करना, इससे उपभोक्ता का क्या होता है, शोषण होता है, ठीक है। इन चीज़ों, इन टॉपिक्स को तो आप अपने शब्दों में भी बना के लिख सकते हो। सुरक्षा उपायों की अवहेलना करना, आज आपने देखा है आजकल वीडियो भी बनते हैं, लोग मिलावटी सामान बेचने लग गए हैं, ठीक है। अधूरी या गलत जानकारी देना, असंतोषजनक सेवा देना, माल बेच देने के बाद उसकी सर्विस ना दे पाना, उसका प्रॉपर अगर ख़राब हो जाए तो सही करके ना देना, ये सभी चीज़ें एक ग्राहक को नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये कुछ टॉपिक मैंने बताए हैं 30, ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि लगभग हर साल एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और बार बार आ जाती हैं। तो वीडियो कैसी लगी हर जगह शेयर करें और डिस्क्रिप्शन जरूर जगह मैं चेक ज़रूर कर लेना, मैंने गणित विज्ञान वगैरह सब कुछ पढ़ा दिया है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें, कक्षा 10 के साथ साथ 11 12 की मैथ्स वगैरह भी हमने पूरी पढ़ा दी है। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, शेयर ज़रूर करें वीडियो को, और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बता दें।